गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे इन चैप्टर नंबर 10 वी विल स्टडी अबाउट द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द ग्लैंड्स व्हिच जनरली इंक्रीज देयर सिक्रीशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द एडम्स एप्पल, वॉइस चेंज, चेंज इन बॉडी शेप। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम। मीन्स 11 ईयर से लेकर के 19 ईयर के बीच में इस टाइम पे हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो जितने भी हमारे सेक्स ऑर्गन हैं, जनरली जब कोई बच्चा पैदा होता है मेल या फीमेल, तो उसमें सेक्स ऑर्गन तो हो जाते हैं प्रोड्यूस, बट उनका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जितने भी सेक्स ऑर्गन आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़े हैं, वो सारे सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टिस एंड पेनिस जो हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, और अप टू 19 ईयर तक वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म। जो टेस्टिस हैं उसमें से स्पर्म भी प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से गर्ल्स के केस में ओवरीज जो हैं, गर्ल्स ओवरीज आपने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल के, तो ओवरीज जो हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। और जो एग्स ओवरी में से जो एग जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग। तो ओवरीज जो है वो एग भी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। इसी प्रोसेस को अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को भी एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, इसमें आगे इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से गर्ल्स और बॉयज़ में डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं रीचिंग मेंटल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी एंड इमोशनल मैच्योरिटी। मीन्स कि जो एडोलेसेंस का, टीनेजर्स का टाइम है, उस टाइम पे हमारी बॉडी जब पूरी तरीके से ग्रो कर रही होती है, तो हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से ग्रो करता है, ठीक। ब्रेन में लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। द चेंज इन पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, मैच्योर सोचने लगता है, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैच्योरिटी का पार्ट है। द पर्सन फील मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड सेल्फ कॉन्सियस, मीन्स अपने आप इंडिपेंडेंट फील करता है बच्चा, क्योंकि मेंटली सारी चीज़ें होती हैं, और सेल्फ कॉन्सियस होता है, अपने बारे में सोचने लगता है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चे सोचने लगते हैं, ठीक। तीसरा होता है इमोशनल मैच्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इमोशनल मैच्योरिटी का मीन्स कि इस एज में अ पर्सन फील इनसिक्योर। इनसिक्योर मीन्स वो हर चीज़ से डरता है, घबराता है, और फिर उसके रेफरेंस में वो गुस्सा करने लगता है। मीन्स उस एक तो बच्चे को समझ नहीं आता है कि मेरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उसको कोई, उसके पेरेंट्स, टीचर कोई डांटते हैं, कोई गुस्सा करते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे हार्मोनल जो सेक्रेशन है वो इतना ज़्यादा होता है कि तुरंत हाइपर हो जाता है बच्चा। इसलिए इनसिक्योरिटी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एट दैट टाइम ओनली पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बता सकते हैं, समझा सकते हैं और आपकी बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। एंड वाइल ट्राइंग, जब वो बच्चा, ये देखो, अ पर्सन फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन बॉडी एंड माइंड, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा है, बॉडी दूसरी तरीके से चेंज हो रही है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और एक्सेप्ट नहीं कर पाने की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है। तो ये इमोशनल मैच्योरिटी, ये ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ टीनेजर्स, लेकिन उसको हमें किस तरीके से मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे,
नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। मीन्स सेकेंडरी मीन्स होता है जो बाद में जनरेट होते हैं। ऐसे करेक्टर्स जो बॉडी में बाद में जनरेट होते हैं बट वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पर्सन के सेक्सुअल करेक्टर को, कि वो मेल है या फीमेल है। पहचान करने के लिए जो करेक्टर्स किसी की बॉडी में अपीयर होते हैं, दीज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ में दे बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, दैट इज़ मोस्टाज एंड बियर्ड। ठीक जैसे ही बच्चा जो है वो टीनेज में आना स्टार्ट होता है, 14-15 की एज में आना स्टार्ट होता है, उसके फेस पे हेयर आने लगते हैं, दाढ़ी बढ़ने लगती है, मूछें बढ़ने लगती हैं, तो ये सिम्टम्स हैं किसके, कि उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। इट मीन्स उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसी हिसाब से ग्रो कर रहा है। द हेयर्स ऑल्सो बिगिन टू ग्रो ऑन द चेस्ट, अंडर द आर्म एंड द रीजन, अबव द थाई और प्यूबिक रीजन। इट्स स्पेलिंग सही करना, प्यूबिक रीजन, PUBIC। ठीक है, इट्स स्पेलिंग गलत है इसकी, PUBIC। तो एक तो फेस पे जो है हेयर्स ग्रो होने लगते हैं, दूसरा चेस्ट पे हल्के हल्के बाल आने लगते हैं, अंडर आर्म्स में, और आपके थाइस के पास जो आपका प्यूबिक रीजन है, प्राइवेट पार्ट जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे भी थोड़े थोड़े से हेयर्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। दीज आर बेसिक सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर विच आर फाउंड इन बॉयज़। सिमिलरली इन गर्ल्स, ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, धीरे धीरे ब्रेस्ट डेवलप होने लगती हैं, एंड हेयर्स ऑल्सो बिगिन टू ग्रो अंडर आर्म्स एंड द रीजन, अबव थाई और प्यूबिक रीजन। यहाँ भी स्पेलिंग ठीक करिएगा, PUBIC। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपको। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका हार्मोन्स। जनरली हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, खाना पीना, सेंसेशन, ब्रीथिंग, सारी के सारे जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सारे हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। एक हमने कहा कि ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है मैसेज ट्रांसफ़र को। ठीक, दूसरा होता है कि किसी भी जगह पे पर्टिकुलर क्या केमिकल चेंजेस होने हैं, वो सब कुछ डिटरमाइन करता है हार्मोन्स। और अभी हम यहाँ पे सिर्फ एडोलेसेंस में जो हार्मोन्स यूज़ होते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, बाकी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, तो द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस हैं, उन सारे चेंजेस को जो केमिकल सब्सटेंस कंट्रोल करते हैं, दीज आर नोन एज हार्मोन्स। और हार्मोन्स किससे सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। जैसे मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जो सीधे ब्लड में अपना सिक्रीशन ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक, बॉयज़ के केस में द टेस्टिस बिगिन टू रिलीज मेल हार्मोन। जो टेस्टिस है बॉयज़ में होता है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो मेल हार्मोन सिक्रीट करने लगता है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से सेक्सुअल मैच्योरिटी बॉयज़ में आती है। गर्ल्स के केस में द ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होने लगता है, जिससे कि ब्रेस्ट डेवलप होती हैं। मिल्क सिक्रेटिंग या मेमोरी ग्लैंड जो है वो ब्रेस्ट के अंदर धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये दोनों ही जो हार्मोन हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दोनों ही हार्मोन्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं एक दूसरे हार्मोन से, जो कि किसे, जिस ग्लैंड का नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे माइंड में होती है, दिमाग में, सर में पीछे की साइड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बेसिकली कहा जाता है कि लगभग 90% हार्मोन्स इसी से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक, अब कल इस रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक, और ये सेक्स हार्मोन जो है किसके कंट्रोल में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के।
पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक ओवा मेच्योर इन द ओवरी एंड स्पर्म इन द टेस्टिस। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसका मेन काम क्या है कि जो ओवरीज के अंदर एग फॉर्म हो रहा है, ओवम फॉर्म हो रहा है, उसको मेच्योर करना, मीन्स ग्रोथ उसमें होना, और जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी देना। तो मेन फंक्शन जो है यही है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।